हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी रिवाइजिंग अवर चैप्टर सेकंड, दैट इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट. तो व्हाट इज़ अ हैबिटेट? द प्लेस वेयर अ प्लांट नेचुरली लिव्स एंड ग्रोज. एक ऐसी जगह जहाँ पे की प्लांट ग्रो करता है वो उसका हैबिटेट होता है. एडेप्टेशन द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ प्लांट्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. वो स्पेशल फीचर्स जिनके वजह से कोई भी प्लांट अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं. जैसे कि डेजर्ट में कैक्टस सर्वाइव कर पा रहा है, लेकिन क्या एक मैंगो ट्री डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है, ग्रो कर पाता है? नहीं, क्योंकि मैंगो ट्री के पास वो फीचर्स नहीं हैं कि वो डेजर्ट जैसी प्लेस में कम पानी वाली जगह में सर्वाइव कर सके. और कैक्टस के पास वो फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स को, स्पेशल फीचर्स जो उसे अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने दे रहे हैं, हम उसे कहते हैं एडेप्टेशन. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स जो लैंड पे होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. एंड लैंड हैज़ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस मिलते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, जो पेड़ माउंटेन पे होते हैं, दे आर कोन शेप एंड हेंस कॉल्ड कॉनिफर्स. वो कोन शेप के होते हैं और उन्हें कॉनिफर्स कहते हैं. उनकी जो लीव्स हैं दैट इज़ नीडल लाइक एंड विद वैक्सी कोटिंग. जो उनकी पत्तियां होती हैं उन पर वैक्सी कोटिंग होती है और वो नीडल लाइक होती हैं. वैक्सी कोटिंग उन्हें स्नो से बचाती है. उनके पास फ्लावर्स नहीं होते, उनके पास कोन्स होते हैं और कोन के अंदर ही सीड्स होती है. एग्जाम्पल आर पाइन, फर, डियोडर एंड स्प्रूस. प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, जो प्लांट्स प्लेन में ग्रो करते हैं, दे हैव मैनी ब्रांचेज एंड मैनी फ्लैट एंड थिन लीव्स विच हेल्प इन इवोपरेशन ऑफ एक्सेस वाटर कीपिंग द प्लांट कूल. जो प्लेन्स में प्लांट ग्रो करते हैं या फिर ऐसे हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें बहुत सारी पतली फ्लैट पत्तियाँ होती हैं ताकि उनमें से पानी ज़्यादा बाहर आ सके, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो सके, जिससे कि वो पेड़ ठंडे रहते हैं. एग्जाम्पल पीपल, मैंगो, बैनियन. प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट आर ऑल्सो नोन एज जेरोफाइट्स. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैक्टस इज चेंज इनटू स्पाइन टू प्रिवेंट वाटर लॉस. स्टेम ऑफ सम प्लांट्स हैव क्लोरोफिल हैंस प्रिपेयर फूड. स्टेम स्टोर फूड एंड वाटर एंड हैंस दे आर फ्लैशी. रूट्स स्प्रेड आउट डीप इन द सर्च ऑफ वाटर. सो दीज आर सम फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. एक तो उनकी पत्तियाँ वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है ताकि पानी उनसे ना निकल पाए, ट्रांसपीरेशन ना हो. स्टेम में क्लोरोफिल होता है ताकि जो खाना है वो स्टेम बनाते हैं. स्टेम खाना स्टोर भी करते हैं और वो फ्लैशी होते हैं इसलिए. और रूट्स जो है वो डीप अंदर तक जाते हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर. डेजर्ट में पानी कम होता है सो दे हैव टू गो डीप इनसाइड इन सर्च ऑफ वाटर. एग्जाम्पल आर कैक्टस, डेट पाम, बबून एंड कीकर. प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज. वॉट इज मार्शी एरिया? वाटर लॉक्ड एरिया, जो दलदल वाले इलाके होते हैं, दोज आर नोन एज मार्शी एरियाज. मोस्टली मैनग्रूव्स आर द ट्री विच ग्रो देयर. दे हैव ब्रीदिंग रूट्स विथ टाइनी पोर्स. दिस इज़ अ फीचर ऑफ मैंग्रूव्स. मैंग्रूव्स के ब्रीदिंग रूट्स होते हैं क्योंकि वो वाटर लॉक्ड एरिया में हैं, तो सांस लेने के लिए उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल से थोड़े से बाहर आ जाते हैं. एंड दोज आर नोन एज ब्रीदिंग रूट्स एंड दे हैव टाइनी पोर्स फॉर ब्रीदिंग. प्लांट्स इन कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन समंदर के पास वाले रीजन्स होते हैं. कॉमनली फाउंड ट्री आर कोकोनट ट्रीज,
देयर लीव्स आर थिन एंड लॉन्ग, उनकी जो पत्तियां हैं वो पतली पतली होती है, लंबी लंबी होती हैं, ताकि जो हवा चलती है कोस्टल एरियाज़ में हवा बहुत तेज़ चलती है तो उनकी पत्तियों के बीच में से वो हवा निकल जाती है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। उनका जो ट्रंक होता है इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, जो कोस्टल एरियाज़ में हवा चलती है उनके वजह से जो ट्रंक है वो भी टूट सकता है, बट सिंस दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल दे डू नॉट ब्रेक। सो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ अ कोकोनट ट्री। नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशन। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स। सो फर्स्ट वी विल सी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एज द नेम सजेस्ट दे फ्लोट फ्रीली इन वाटर, मीन्स उनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सॉइल में गड़े हुए नहीं होते हैं, वो पूरा प्लांट उनके स्टेम लीफ रूट पूरे पानी में फ्लोट करते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, लाइट एंड स्पंजी बॉडीज होती हैं उनकी, क्योंकि उनके सेल्स में बहुत सारी हवा होती है, एयर स्पेसिस होती हैं, दैट्स वाई दे आर लाइट एंड कैन ईजली फ्लोट ऑन वाटर। देयर लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग, उनकी लीव्स पे वैक्सी कोटिंग होती है जो उन्हें पानी में ख़राब होने से बचाती है। एग्जाम्पल आर वाटर हायसिंथ, डकवीड, वॉल्फिया एंड पिस्टिया। डकवीड इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स एज अ नेम सजेस्ट दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड मीन्स देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ पॉन्ड, उनके जो रूट्स हैं वो पॉन्ड में फिक्स होते हैं, सॉइल में अंदर फिक्स होते हैं। दे हैव लाइट एंड हॉलो स्टेम, लीव्स आर ब्रॉड विद वैक्सी कोटिंग, अगेन वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम रोटिंग। लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, अब क्योंकि वो पानी पे तैर रहे हैं उनके स्टोमेटा ऊपर वाले सरफेस पे होते हैं लीव के, ताकि वो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज कर सके। एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली। नेक्स्ट इज सबमर्ज प्लांट और अंडर वाटर प्लांट। एज द नेम सजेस्ट सबमर्ज, दे आर कम्प्लीटली अंडर द वाटर, पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं, उनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता, तो जितना भी गैस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस से होता है, उनके लीव से डायरेक्टली हवा अंदर आती है, स्टेम से रूट से हवा अंदर आती है और वो बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज डायरेक्टली बॉडी सरफेस से होता है, उसमें स्टोमेटा नहीं होता। दे हैव लॉन्ग एंड नैरो लीव्स एंड हैव स्मॉल रूट्स, एग्जाम्पल आर टेप ग्रास, सीवीड एंड हाइड्रिला। सम स्पेशल एडेप्टेशन, स्पेशल एडेप्टेशन आर स्पेशली फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर न्यूट्रिशन। स्पेशल एडेप्टेशन या तो अपने आप को बचाने के लिए होते हैं या न्यूट्रिशन ऑप्टेन करने के लिए होता है, लाइक इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट खाते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए एडेप्टेशन करते हैं, कुछ उनमें स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को खा सकें, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके। एग्जाम्पल आर पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। प्लांट्स विथ थॉर्न्स, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कांटे होते हैं, ये एडेप्टेशन है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो जानवर हैं, जो जानवर उन्हें खा सकते हैं वो दूर रहें, क्योंकि उनमें कांटे हैं तो जानवर उन्हें नहीं खाते। एग्जाम्पल रोज एंड बोगेनविलिया। प्लांट्स विथ पॉइजन, सेम इनमें पॉइजन होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए है ताकि एनिमल्स उन्हें ना खाएं। एग्जाम्पल पॉइजन आईवी। सेप्रोफिटिक प्लांट्स, अब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो इनका ये एडेप्टेशन है फॉर न्यूट्रिशन, ताकि उन्हें इनफ न्यूट्रिशन मिले, वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से। एग्जाम्पल कोरल रूट एंड इंडियन पाइप। ग्रास फैमिली, ऑल द सीरियल्स, शुगर केन एंड बैम्बो प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस फैमिली। यूजेज आर बैम्बो आर यूज टू मेक बास्केट, चेयर, मैट्स एंड दे हैव अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। शुगर केन आर यूज टू मेक शुगर। सम ग्रासेस आर यूज टू मेक मेडिसिंस। ड्राई ग्रास इज यूज एज पैकिंग मटीरियल, सूखी घास पैकिंग के लिए यूज की जाती है। सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं, हमारे अनाज जितने भी हैं, वीट, राइस, ज्वार, ये सारे सीरियल्स हैं हमारे, तो वी यूज इट एज अवर फूड। एंड सॉइल कंजर्वेशन, इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और उनका इरोजन नहीं होने देते। सो दीज आर सम यूजेज ऑफ ग्रास फैमिली। विद दिस वी फिनिश अवर चैप्टर 2 रिविजन। थैंक यू।